अरे कैसे यार, तो मैं तुम्हारा भाई हर्ष। और देखो, आज के वीडियो में हम लोग कॉन्फिडेंस को लेके बात करेंगे। जैसे तो हमने मतलब स्टाइल को लेके बात की, ग्रूमिंग को लेके, फैशन को लेके हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे, बट कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे बहुत सारे भाई इसको लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आज का वीडियो ना मेरे सारे भाइयों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। खास बात मतलब मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और सेकंड चीज, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर लिया अपने भाई को, तो वहां पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं रील्स वगैरह बनाते रहता हूं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट। नंबर वन है वो ओवर थिंकिंग। देखो मेरे भाई, ओवर थिंकिंग एक स्लो पॉइजन के जैसे काम करेगा आप लोग के लाइफ में, अगर आप लोग फालतू की चीजों को लेके बहुत ज्यादा मतलब थिंक करते रहते हो। देखो वैसे तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर ना बहुत सारे थॉट्स एक दिन में आते रहते हैं, बहुत ही कॉमन चीज है, बट कुछ लोग मतलब कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर भी इतना ज्यादा वो सोचते हैं और मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और इस वजह से उनके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो एक सिंपल चीज शेयर करता हूं, शायद से आप लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखो अगर आप लोग बहुत ज्यादा मतलब किसी चीज को लेकर सोचते हो, तो ना सिंपली आप को ज्यादा उसके ऊपर मतलब थिंक नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को पेन और पेपर लेना है, लेना आप लोगों को वो लिख लेना, और उसके ना मतलब क्या नेगेटिव साइड और क्या पॉजिटिव साइड है वो दोनों आप लोगों को लिख लेना है, और उसके बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आप लोग सिर्फ मतलब माइंड में उसको सोचते रहोगे ना, आप लोग ओवरऑल बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत बार तो ऐसा होता है ना, मतलब कोई चीज होने से पहले हम लोग इतना ज्यादा उसके बारे में सोच लेते हैं, मतलब भाई यार उसको एक बार करके तो देखो, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वो चीज सही में है या फिर नहीं है। नंबर टू, जो आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है वो है नेगेटिव लोगों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। देखो अगर आप लोग नेगेटिव लोग या फिर जो फेक लोग होते हैं, लोग भाई कुछ भी गलत भी काम करते हो फिर भी वो आप लोगों की वाह वाह ही करते रहते हैं मेरे भाई, तो प्लीज इन लोगों से आप लोगों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इस दुनिया में ना हर कोई मतलब बुरा नहीं, बट ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब बुरे नहीं होते, बट यार उनके थॉट्स इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो खुद के साथ दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग कुछ आगे जाने का सोच रहे हो, अगर आप लोग उनके साथ रहते हो, उनको अगर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते हो, तो मेरे भाई वो आप लोगों को नेगेटिव वे से ही बताएंगे, तो उससे अच्छा आप लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करो। फेक लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आप लोग उनको अच्छा भी बताओगे कि नहीं भाई यार आप नेगेटिव मत सोचो अगर कुछ भी, तो भाई वो फिर भी मतलब यार उसमें ही स्टक हो जाते हैं, और वो आप लोगों के भी माइंड को मतलब यार नेगेटिव बना देंगे, तो उससे अच्छा उनसे दूर रहोगे तो वो बेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, आप लोग इसके ऊपर बिलीव करो कि नहीं मुझे पता नहीं, बट सिर्फ नेगेटिव थॉट्स से आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या फिर जा सकते हैं। मतलब कैसे आप लोगों की थिंकिंग प्रोसेस है, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग किस चीज को कैसे सोचते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप लोग छोटे से चीज को ना बहुत बड़ा भी दिखा सकते हो, या फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उसके ऊपर सिंपली रिएक्ट करके उसको छोटा भी दिखा सकते हो, तो ये आप लोगों के ऊपर होता है। नंबर थ्री वो है सेल्फ ग्रूमिंग। देखो वैसे तो हम लोग ना बाकी सारी तो बातें कर रहे हैं, बट सेल्फ ग्रूमिंग भी एक कॉन्फिडेंस को लेके बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो अक्सर आप लोगों ने देखा हो कि मतलब आप लोग किसी रैंडम बंदे को देखते हो, और फिर आप लोग बस यार उसको मतलब बिना बात करे भी आप लोगों को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, मतलब लगता है कि भाई यार ये बंदा क्या ज्यादा डैशिंग है, फिर ये बंदा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। हम लोग ग्रूमिंग को लेकर तो बात करते रहते हैं, बट सिंपली ना आप लोग को एटलीस्ट अपने स्किन और हेयर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी ना हम लोग डेली लाइफ में हेयर को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि मतलब ड्राई हेयर हो गए, फ्रीजी हेयर हो गए, हेयर लॉस हो गया, बाल्डनेस हो गया, तो देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, बट उनकी अगर आप लोग ने टाइम पे केयर नहीं की तो ये आगे चल के बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए ना आप लोग को एक अच्छी डाइट, स्लीप और अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हेयर केयर प्रोडक्ट्स की अगर बात ही आए, तो मैं आप लोगों को एक हेयर ग्रोथ किट को जरूर रिकमेंड करूंगा, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। वो है उस तरह का हेयर ग्रोथ किट जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। इस किट में ना आप लोगों को तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले वो उस तरह का हेयर ग्रोथ वाइटिलाइजर, सेकंड है उस तरह का हेयर ग्रोथ क्रीम, और थर्ड है वो उस तरह का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। सबसे पहले अगर उस तरह हेयर ग्रोथ वाइटिलाइजर की बात करूं, तो ये एक कंप्लीट हेयर केयर प्रोडक्ट है, और ये हेयर लॉस को कम करके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस प्रोडक्ट को जो बेस्ट बनाते हैं वो इसके इंग्रेडिएंट, इसके अंदर 33 प्लस वाइटल न्यूट्रिएंट जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, और ये बाकी ऑयल या फिर सीरम जैसा ऑयल या फिर स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। बात करते उस तरह हेयर ग्रोथ क्रीम की, तो इसकी जो खास बात है, ये स्पेशली मेल पैटर्न बैडनेस की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए बेस्ट तरीके से वर्क करेगा। ये बालों के साथ साथ स्कैल्प को भी हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके इंग्रेडिएंट की बात करो, तो इसके अंदर अनियन एक्सट्रैक्ट हो गया, नील भिंगाड़ी हो गया, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा जैसे 18 नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। दूसरा एंटी हेयरफॉल शैम्पू की अगर बात करूं, तो ये एक परफेक्ट शैम्पू है जो आपके हेयरफॉल को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही में इसकी खास बात मतलब इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट है, एक है जिनसेंग जो हेयरफॉल से फाइट करने में हेल्प करेगा और बालों में स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करेगा, और सेकंड है वो एप्पल साइडर विनेगर जो आप लोगों को पता है जो बालों को हेल्दी और शाइनी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इन तीनों प्रोडक्ट्स की जो सबसे खास बात है, मतलब इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल हो गया या फिर मतलब पैराबिन सल्फेट जैसी कोई भी चीज नहीं है। बात करते हैं इस किट को आप लोगों को कैसे यूज करना है, वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को हेयर ग्रोथ क्रीम को यूज करना है, अच्छे से अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है, स्पेशली अगर सोने से पहले करोगे तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ओवरनाइट ही अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों को ना इस क्रीम को वॉश करना है वो एंटी हेयरफॉल शैम्पू
शैम्पू से सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा कॉइन साइज शैम्पू लेना और आप लोगों को अच्छे से अपने पूरे बालों में उसको अप्लाई करना है और धीरे धीरे आप लोगों को मसाज करना है। 30 सेकंड टू 1 मिनट के बाद ना आप लोगों को उसको मतलब वाटर से अच्छे से वॉश कर देना, आप लोगों को अपने हेयर को प्रॉपरली ड्राई करना है। उसके बाद आप लोगों को हेयर वाइटलाइजर लेना है, आप लोगों को थोड़े से अपने पाम के ऊपर लेना है और अच्छे से अपने पूरे बालों में और स्कैल्प में अप्लाई कर लेना है। इस वाइटलाइजर को ना आप लोग डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। इस रिजल्ट के लिए ना आप लोग इस हेयर केयर रूटीन को 2 से 3 बार वीक में यूज कर सकते हो। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट करो। सेकंड चीज, अगर आप लोग उस्त्रा के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो आप लोग को अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो जाके जरूर ट्राई करना। बिफोर है वो है डेली बैड हैबिट्स। देखो ऐसे कुछ बैड हैबिट्स होते हैं ना जिसको हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, उससे हमारा कॉन्फिडेंस तो गिर जाता है। देखो सबसे पहले तो ना आप लोग को अपनी बॉडी पोस्चर को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग किसी से बात नहीं कर रहे, सिर्फ उसको देखते हैं। ऐसे में अगर आप लोग का बैठने का तरीका हो गया, फिर बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा झुका सा रहेगा, तो अरे भाई यार वो बहुत ही गंदा दिखता है। में सबसे इंपॉर्टेंट बात मतलब ये चीज मैंने भी सीखी हुई है, जैसे आप लोग सो के उठते हैं तो आप लोग को 10 से 15 मिनट के लिए अपने बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। बहुत सारे मतलब स्ट्रेचिंग के वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे गूगल से या फिर यूट्यूब से, तो वो आप लोग देख सकते हो। ऐसे करने से ना आप लोगों को आगे चल के मतलब आप लोग का बैक पोस्चर तो सही रहेगा, साथ ही में ना आप लोगों को आगे चल के कोई भी बैक के इश्यूज नहीं होंगे। अगर आप लोग ऐसे बंदे हो कि मतलब लॉन्ग टाइम तक आप लोगों के एक ही जगह पे मतलब काम होता है, तो आप लोगों को ना बीच बीच में उठ के थोड़ा सा चलना चाहिए, फिर थोड़ी बहुत मतलब जो बैठ के एक्सरसाइज होती है तो वो आप लोगों को जरूर से करना चाहिए। बट आप लोग लॉन्ग टाइम तक मतलब एक ही जगह पे बैठोगे तो आप लोग को 100% कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। साथ ही में जो दूसरी बैड हैबिट है वो है गुड लिसनर बनना। देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ मतलब खुद की ही बातें बताते हैं, हम लोग सामने वाले का बहुत ज्यादा कम सुनते हैं। और मतलब यार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमें सब लोगों ने सुनना चाहिए, मतलब बस भाई यार मेरी प्रॉब्लम सुनो, मतलब मेरी बातें सुनो, बट मेरे पास ऐसा नहीं करना। अगर आप लोग दूसरों की बातें अच्छे से सुन के लोगे, सामने वाले को भी लगेगा कि भाई यार ये मतलब बंदा कितना ज्यादा सही है। नंबर 5 की जो टिप है वो है लीव योर कम्फर्ट जोन। बहुत बार क्या होता है ना, हमें मतलब बहुत सारी मतलब यार अच्छी अच्छी चीजें होती है, अच्छी सारे स्किल्स होते हैं हम लोगों ने सीखे हुए, बट ये एक छोटी सी चीज मतलब अपने कंफर्ट जोन में रह जाना, इस वजह से ना मेरे भाई ये जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए ना आप लोगों को तुरंत से मतलब कोई भी बड़े गोल या फिर बड़े टारगेट्स आप लोगों को सेट नहीं करने चाहिए। इससे आप लोग 1-2 दिन करेंगे उसके बाद भाई फिर से जैसा था वैसे हो जाएगा, तो उससे ना आप लोग को थोड़े थोड़े करते हुए अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाना, इससे ना आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि भाई आप लोग कितने मतलब आगे तक चले जाओगे। आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और भी मेरे आप लोग यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।